हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर सक्सेस मंत्र। इन आवर लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट दैट वर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ईमेल, सर्च इंजन, लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन, फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज दैट वर SMS, MMS, 3G एंड 4G। इन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेब सर्विसेस मीन्स चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई गवर्नेंस, ई ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्किंग। इनमें से कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, लेकिन आइए फिर भी हम लोग इन टॉपिक्स को एक बार डिटेल में स्टडी करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वेब सर्विसेज। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेब सर्विसेज वी मीन्स दोज सर्विसेज और एप्लीकेशंस दैट आर अवेलेबल टू अस थ्रू इंटरनेट बाय द यूज ऑफ सम स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस और सर्विसेज जो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके नेट के थ्रू हम तक पहुंचाई जाती हैं। वेब सर्विसेज जो होती हैं वो सेल्फ कंटेन्ड होती हैं, मॉड्यूलर, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनेमिक एप्लीकेशंस होती हैं। यानी सेल्फ कंटेन्ड यानी कि अपने आप में खुद बहुत ज़्यादा सक्षम होती हैं, इनमें बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। मॉड्यूलर, एक पर्टिकुलर इनका स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड होती हैं। डायनेमिक, यूज़र इंटरैक्टिव होती हैं, जिसे कि आप आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं और इन्वोक कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सप्लाई चेन्स बनाई जा सकें। हमारी वेब सर्विसेज एक तरीके से XML बेस्ड इंफॉर्मेशन होती हैं दैट आर एक्सचेंज्ड थ्रू द सिस्टम्स ओवर द इंटरनेट फॉर द डायरेक्ट एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन इंटरेक्शन, जिससे कि आप एप्लीकेशंस को आपस में सीधे तौर पर इंटरैक्ट करवा सकें। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये अपने अंदर प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्ट्स, मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं। In an easy language, you can also say that web service is a collection of open protocols and standards. की web services जो हैं वो एक तरह का collection है जहाँ पर कि बहुत सारे protocols और standards रखे जाते हैं, और इन सब को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? For exchanging the data between some of the systems and applications, जिससे कि हम लोग systems और एप्लीकेशंस इन दोनों के बीच में डेटा को आसानी से एक्सचेंज करवा सके। बहुत सारी वेब सर्विसेज आजकल अवेलेबल हैं जिन्हें कि हम डाइवर्स वेब सर्विसेज कहते हैं, एंड द सर्विसेज दैट वी आर यूजिंग टुडे दे आर योर चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग एंड मैनी मोर, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज सर्विसेज इन डिटेल वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज चैट। आपको बहुत कॉमन वर्ड लग रहा होगा ये चैट, क्योंकि आजकल हर पर्सन चैटिंग करता है। दिस इज अ सर्विस दैट इज द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑफ इंटरनेट राइट नाउ। तो ये हमारे इंटरनेट की आजकल की बहुत फेमस सर्विस है जो हमें हर जगह आसानी से कहीं पे भी अवेलेबल हो जाती है। ये एक तरह का टेक्स्ट फोन हो जाता है, या क्योंकि हम फोन के थ्रू क्या करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को, और इसीलिए हम कहते हैं कि ऑनलाइन टेक्स्टुअल टॉक जो होती है वो चैटिंग होती है। आप व्हाट्सएप पे किसी से बातें कर रहे हैं टाइप करके तो आप चैटिंग कर रहे हैं, आप फेसबुक पे किसी से टाइप करके बात कर रहे हैं तो वो भी चैटिंग है। तो बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आप चैट कर सकते हैं। अगर चैटिंग में आप एक मैसेज टाइप करते हैं अपनी स्क्रीन पे तो वो इमिडिएटली क्या होता है, रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है, और वही रिसीवर फिर क्या करेगा, आपका मैसेज पढ़ के आपको रिस्पांस देगा,
ऑफ जो रिस्पॉन्स वो देता है दैट रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड बाई यू इंस्टेंटली। इंस्टेंटली मतलब होता है उसी वक्त। अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप इंस्टेंटली एक दूसरे को मैसेजेस भेज के आपस में कांटेक्ट करके चैटिंग कर सकते हैं। चैट में रिफर टू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। जो चैट होता है वो एक तरह का कम्युनिकेशन होता है जो हम इंटरनेट पे करते हैं, और ये हमें रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस प्रोवाइड करता है। यानी कि सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो आपस में रियल टाइम में बातें करते हैं एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस भेज के। ये एक तरह का पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है और मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन भी कहलाता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट यानी कि वन टू वन, और मल्टीकास्ट जब आप एक ही जगह पे बैठे कई सारे पर्संस को अपना मैसेज भेज रहे होते हैं। तो जो ये कम्युनिकेशन, ये चैटिंग होती है, ये हमारी दो तरीके से होती है, एक तो वॉइस और वीडियो चैट, और एक तरीके से हम इसे वेब कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस भी कह सकते हैं। क्योंकि वेब कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, आप वन टू वन भी बात कर सकते हैं और वन टू मैनी भी कर सकते हैं। कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ चैट, बहुत सारी कॉमन ऐसी चैट्स हैं, टाइप्स हैं चैट्स की जो हम इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज दैट इज योर इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग इन शॉर्ट इज नोन एज IM। इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस दैट इज डन थ्रू IM सॉफ्टवेयर, जो कि IM सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती है। एनेबल्स वन टू क्रिएट अ काइंड ऑफ प्राइवेट चैट कनेक्शन। ये क्या करती है, एक पर्सन को अवेलेबल करती है, परमिशन देती है कि वो एक तरह का प्राइवेट चैट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है विद अनदर इंडिविजुअल, दूसरे इंडिविजुअल के साथ, जिससे कि वो आपस में रियल टाइम का इस्तेमाल करके नेट के ऊपर बात कर सकें। सेकेंड इज ICQ। इट ऑफर्स चैटिंग वाया ICQ सॉफ्टवेयर। यह ICQ सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको चैटिंग की सर्विसेज अवेलेबल करता है, और ये एक कॉन्फ्रेंसिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा। कहाँ पे, नेट पर, जिससे कि वो चैट कर सकें, ईमेल कर सकें, फाइल ट्रांसफर्स कर सकें, यहाँ तक कि कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के और कई सारे काम करने के काम में आता है। द थर्ड वन इज IRC, इंटरनेट रिले चैट। ये किसी भी कंपनी के द्वारा ओन नहीं किया जाता। अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, एक IRC क्लाइंट प्रोग्राम चाहिए। अगर आपको किसी से चैट करनी है IRC के ऊपर, फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मस्ट बी कनेक्टेड टू एन IRC सर्वर थ्रू योर PC's IRC क्लाइंट प्रोग्राम। क्योंकि जब तक कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्टैक्ट विद एनी पर्सन। देन फोर्थ वन इज वेब बेस्ड चैट। इट इज ऑल्सो लाइक IRC बट इट इज समवट डिफरेंट फ्रॉम इट। हाउ, इट्स ऑन अ स्पेसिफिक वेबसाइट। क्योंकि ये जो वेब बेस्ड चैट होती है ये एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर पाई जाती है, एंड नो प्रोग्राम इज नीडेड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। और आपके कंप्यूटर पे कुछ भी इंस्टॉल करने के लिए हमें नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जाम्पल योर याहू चैट जब आप करते हैं तो उसके लिए आपके पास याहू वेबसाइट है, अवेलेबल है, जहाँ पर कि आप अपनी चैटिंग शुरू कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यूजर्स दैट आर लिविंग इन डिफरेंट लोकेशंस टू होल्ड अ फेस टू फेस मीटिंग। अलग अलग लोकेशंस पे रहने वाले, अलग अलग कंट्रीज में रहने वाले जो पर्सन्स होते हैं वो आपस में फेस टू फेस मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं विदाउट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वाइल सिटिंग एट योर ओन प्लेस यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अ मीटिंग। इट ऑल्सो अलाउज यूजर्स इन डिफरेंट लोकेशंस सॉरी ये पॉइंट जो दोबारा रिपीट हो गया, सो जस्ट क्रॉस दिस पॉइंट, लेट्स डिस्कस द सेकेंड वन। द स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंस में फ्लक्चुएट। जो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही होती है तो उसको स्टेबल रखना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू बात कर रहे होते हैं, और ज़रूरी तो नहीं है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन हर समय बहुत अच्छा और हाई स्पीड का मिलेगा। तो कई बार क्या होता है, जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं तो उसके कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी होती है, जो क्वालिटी होती है, उसमें फ़र्क आ जाता है, जिस वजह से आपको कई बार मीटिंग्स होल्ड करने में या पर्सन से बात करने में दिक्कत हो सकती है। देयर आर अ वेराइटी ऑफ वेज ऑफ थ्रू विच यू कैन डू योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइक बाई यूजिंग योर स्मार्टफोन्स, योर टैबलेट्स एंड इवन योर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स दैट यू कैन यूज राइट नाउ आर योर स्काइप, ओवू, एडोब एक्रोबैट कनेक्ट एंड AT&T कनेक्ट। मैनी मोर आर देयर बट द मोस्ट पॉपुलर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दीज आर ओनली फोर। देन देयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेट्स डिस्कस देम। वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, द फर्स्ट वन इज इट सेव्स योर ट्रैवल कॉस्ट एंड टाइम। ये आपके ट्रैवल करने का जो खर्चा होता है, ट्रैवल करने का जो टाइम होता है, दोनों को ही बचाता है, कम करता है। इट अलाउज यू टू कंडक्ट मीटिंग्स विद द पीपल्स हु आर लिविंग एट डिफरेंट लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड। जो अलग अलग लोकेशंस पे लोग रह रहे हैं, आप उनके साथ मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आप अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। योर आइडियाज एंड नॉलेज कैन बी ईजिली कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग के लिए भी बहुत अच्छा साधन है। नाउ कमिंग टू डिसएडवांटेजेस, द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन। आप क्या करते हैं, बस फेस टू फेस लोगों से बात करते हैं, आप पर्सनली किसी से मिल के बात नहीं कर रहे, और ये सबसे बड़ी कमी हो जाती है। द सेकेंड इज टेक्निकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ट्रांसमिशन। इफ़ योर नेट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर हार्डवेयर, देन ऑब्वियसली थ्रू सम ऑफ द टेक्निकल प्रॉब्लम्स यू विल नॉट बी एबल टू सेटअप द कनेक्शन। देन इज high cost of setup. Whatever the setup is required for doing video conferencing, that requires a lot of cost, that is money. Reliable and fast data link is needed. आपको एक बहुत ज़्यादा रिलायबल, जिस पे आप डिपेंड कर सकें बिना किसी डाउट के, और एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। पीपल कुड बी इन डिफरेंट टाइम जोन्स अराउंड द वर्ल्ड। आपको मीटिंग्स होल्ड करते समय ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर लोग कंट्री के लोग अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग टाइम जोन्स पे रह रहे हैं, तो आपको एक ऐसा टाइम मैच करना पड़ता है कि किसी को भी अनकंफर्ट ना हो। ई लर्निंग, यू आर डिपेंडेंट ऑन ई लर्निंग जब से ये कोरोना चला है, और उससे पहले भी आप बहुत ज़्यादा ई लर्निंग पे डिपेंडेंट थे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। सो ई लर्निंग इज़ वॉट इट टेक्स प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली इन अ स्टिमुलेटेड एनवायरमेंट। एक स्टिमुलेटेड एनवायरमेंट में ये इलेक्ट्रॉनिकली होती है। विद ई लर्निंग यूजर्स कैन इमर्स देमसेल्स इन अ थ्री डायमेंशनल एनवायरमेंट। जो यूजर्स हैं वो अपने आप को एक 3D एनवायरमेंट में इमर्स कर सकते हैं, सो दैट दे कैन फर्दर एनहेंस देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, जिससे कि वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को आगे और ज़्यादा अच्छा कर सके। इट कैन बी डन एनी वेयर एंड एनी टाइम। आप कहीं पे भी किसी भी समय इसको कर सकते हैं, जब तक कि आपके पास प्रॉपर हार्डवेयर मौजूद है। बाय यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन, अ नेटवर्क, एन इंटरनेट और अ स्टोरेज हार्ड डिस्क, विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थिंग्स यू कैन होल्ड अप योर ई लर्निंग क्लासेस। It also uses a variety of media like audio, text, virtual environments, video and animation. ये सब आपको आपकी e-learning classes में available कराया जाता है। So some of your e-learning softwares are your Moodle, OLAT, eFront, Skillshare, etc. और बहुत सारी ऐसी websites हैं जो आपको online education provide करी, जैसे Byju's है, Vedantu है, Whitehead Junior है, तो बहुत ज़्यादा famous websites हैं आजकल। Now the advantages are, you are able to link to the various resources in several varying formats. अलग अलग formats में आप बहुत सारे resources से जुड़ जाते हैं।
इट इज़ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ डिलीवरिंग कोर्सेज ऑनलाइन. बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है अपने कोर्सेज को ऑनलाइन दूसरों तक पहुंचाने का. बहुत ही कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल ऑप्शन होता है बिकॉज यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी वन फॉर एनी थिंग. आपको जस्ट अपनी क्लास ऑन करनी है, उसे सुनना है, समझना है, बस काम खत्म. किसी चीज़ के लिए आप उन किसी पर डिपेंड नहीं हो रहे. इट इज़ इंटरैक्टिव एंड हैंड्स ऑन. आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस मिलती हैं. इंटरैक्टिव होता है कि आप अपने टीचर के साथ उसी समय डाउट्स भी पूछ सकते हैं और इसे आप बहुत ही आसानी से मैनेज करके भी रख सकते हैं. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉडलेंट ऑनलाइन कोर्सेज. कई बार आपको फ्रॉड कोर्सेज भी ऑनलाइन मिल जाते हैं. प्रॉब्लम ऑफ एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम. ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स के लिए सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम होती है कई बार. ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक सही पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हो. ऑथेंटिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स वर्क इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया वो आप ना करके कोई और पर्सन कर देता है आपकी जगह पे. तो ये सब क्या है कि एक पर्सन की ऑथेंटिसिटी को, ओरिजिनलिटी को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. एंड द लास्ट वन इज़ You cannot opt for those courses that require lab work or workshops. जिन courses में आपको practical सबसे ज़्यादा चाहिए वो courses आपके online जो है पढ़ाने में थोड़े difficult हो जाते हैं. E-banking is known as an umbrella term. ये एक तरह की umbrella term होती है फॉर द प्रोसेस बाय विच अ कस्टमर में परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स. क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो कस्टमर्स है वो अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को इलेक्ट्रिकली पूरा करता है बिना किसी इंस्टीट्यूशन को विजिट किए. यानी कि ब्रेक और मोर्टार से बने जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ आपको विजिट नहीं करना पड़ता. आप घर बैठे अपनी बैंकिंग की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. ई बैंकिंग इज़ ऑल्सो नोन एज योर इंटरनेट बैंकिंग एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दैट हेल्प्स अ कस्टमर और मेक्स अ कस्टमर ऑफ अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेक सम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑनलाइन. यानी कि आप कहीं नहीं जा रहे, बस ऑनलाइन बैठे हैं, अपने मोबाइल पर या किसी भी डिवाइस पर आपने वेबसाइट खोली और उसमें काम शुरू कर दिया. These services give online access to almost every banking service. आप हर banking service की सुविधा ले सकते हैं इनके थ्रू. Like your fund transfers, deposits, online bill payments, everything. यहाँ तक कि आपकी FD भी घर बैठे बन जाती है. It can be accessed by any individual who has registered for online banking at the bank. अगर bank में आपने अपना registration करा रखा है online banking के लिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ़ यू हैव अ एक्टिव बैंक अकाउंट इन एनी ऑफ द बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एडवांटेजेस इज इट इज़ अवेलेबल टू यू इन 24/7 आवर्स. ये हर समय आपको अवेलेबल होती है. कन्वीनियंस ऑफ इनिशिएटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. आसान होता है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इस पर कर सकते हैं. प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को. बहुत ही क्विक और सिक्योर मेथड है. यहाँ तक कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सर्विसेज भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस डिफ़िकल्ट फॉर बिगनर्स. जो नए होते हैं इस चीज़ के लिए उनको इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इनएबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन. अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो वो आसानी से आप इनके थ्रू नहीं कर सकते. कई बार सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं कि अगर आपका पासवर्ड लॉस्ट हो गया या आपका कार्ड लॉस्ट हो गया तो उसके वजह से भी आपकी इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथों में जा सकती है. लिमिटेशंस ऑन डिपॉजिट. जो भी हम अमाउंट जमा करते हैं उस पर कुछ ना कुछ लिमिट हो जाती है कि आप इतने ही अमाउंट जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. कन्वीनियंट बट नॉट ऑलवेज फास्टर. आसान है लेकिन हमेशा आपको वो स्पीड नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए. कभी आपका नेट स्लो हो जाता है, कभी सर्वर वर्क नहीं करता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है. ई शॉपिंग, ये तो सबसे फेवरेट टॉपिक है क्योंकि आजकल हम लोग ज़्यादातर ई शॉपिंग पे ही डिपेंड हो गए हैं. जो भी हम करते हैं सारा कुछ ई शॉपिंग के थ्रू, किसी ना किसी वेबसाइट के थ्रू घर में बैठे ही मंगा लेते हैं. सो मेनली ई शॉपिंग जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मर्चेंट्स के थ्रू
एक ऐसा प्रोसेस परफॉर्म करना जिसमें कि आप गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं ऑन द नेट, नेट पे। शॉपर्स जो हैं वो वेब स्टोर्स विजिट कर सकते हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स और शॉप्स, अपने होम या अपनी शॉप में बैठे बैठे एज दे आर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के। कंज्यूमर्स जो हैं दे फाइंड ए प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो उन्हें अपने इंटरेस्ट का जिसमें कि उन्हें शौक है, जो प्रोडक्ट उन्हें चाहिए वो प्रोडक्ट मिल जाता है किसी भी रिटेलर की वेबसाइट को डायरेक्टली विजिट करके, या फिर बहुत सारे जो अल्टरनेटिव्स हमें गिवन होते हैं एक वेंडर के थ्रू जो दिए जाते हैं, यानी कि जो वेंडर है वो बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट्स पे अपने प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस आपको दे देता है शॉपिंग करने के लिए। वहाँ से उन सारे ऑप्शंस में से आप कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। एक गुड ऑनलाइन स्टोर जो होता है वो एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसे आप आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, यानी कि आसानी से एक पेज से दूसरे पेज तक जा सकते हैं, चीज़ें सर्च कर सकते हैं एंड ब्राउज फॉर पॉसिबल परचेजेस, और अच्छे से वो चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं जो भी आपको खरीदनी है। सम ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट्स दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ आर फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इंडिया टाइम, जबोंग, अमेजोन, मैनी मोर। सबसे ज़्यादा फेमस वेबसाइट्स हैं ये, क्योंकि इन वेबसाइट्स के थ्रू आप कोई सा भी आइटम, चाहे वो आपके किचन से रिलेटेड हो, चाहे आपके फर्नीचर से रिलेटेड हो, आपके होम से रिलेटेड हो, आपके स्टडी से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो, एनी थिंग यू कैन बाय थ्रू दिस ई शॉपिंग। द एडवांटेजेस आर इट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू बिकॉज वाइल सिटिंग एट होम यू आर एबल टू बाय द प्रोडक्ट्स फॉर योर सेल्फ, इट सेव्स योर टाइम एंड एफर्ट्स, आपके टाइम को आपके एफर्ट्स को बचाता है। बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स यानी कि और कम प्राइजेस पे चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हर एक प्रोडक्ट की एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि शायद आपको किसी शोरूम में जाके भी ना मिलती हो, और आप आसानी से मॉडल्स और ब्रांड्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और ये जज कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा ब्रांड अच्छा है। और ये कंपेयरमेंट आप उनके डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी ले सकते हैं, और जो कस्टमर्स ने रिव्यू दिए हुए होते हैं यानी कि जिन कस्टमर्स ने वो प्रोडक्ट खरीद रखा है, यूज़ कर रखा है, उनसे भी आप आइडिया लेकर अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। डिसएडवांटेजेस डिले इन डिलीवरी, मान लीजिए कोई डिलीवरी आपके पास 2 दिन में आनी चाहिए थी और आपको ज़रूरत भी थी कि हाँ ठीक है 2 दिन में मिल जाए, लेकिन वो लेट हो जाए तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि 2 दिन के बाद उसकी इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो जाए आपके लिए। कई बार सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स हमें नहीं मिलते जो कि हम सोच रहे होते हैं। टच एंड फील की कमी हो जाती है, आप चीज़ को छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जस्ट उसकी एक इमेज देख के, लोगों के रिव्यूज़ जान के ही आप उसे खरीदते हैं। लैक ऑफ इंटरएक्टिविटी, आप किसी से उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। लैक ऑफ क्लोज एग्जामिनेशन, आप बहुत अच्छे से पास जाके अपने प्रोडक्ट को जांच नहीं कर सकते, उसको जज नहीं कर सकते, और ऑनलाइन फ्रॉड्स होने के भी चांसेस रहते हैं। देन इज ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन क्या क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप अवेलेबिलिटी चेक करते हैं टिकट्स की, रूम्स की, किसी भी चीज़ की, दैट यू कैन बुक ऑनलाइन थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सो ई रिजर्वेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज़ यूज्ड इन मैनी वेज एंड एट मैनी प्लेसेस, लाइक फॉर योर बुकिंग योर ट्रेवल टिकट्स, होटल रूम्स, स्पोर्ट्स मैचेस, मूवीज, थिएटर इवेंट्स, मैनी थिंग्स यू कैन डू। वी आर बुक द सर्विसेज ऑनलाइन, हम क्या करते हैं, हम सर्विसेज को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। हाउ यू कैन बुक द सर्विसेज, बाय ओपनिंग द पर्टिकुलर वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस एंड देन फिलिंग योर पर्टिकुलर डिटेल्स, एंड आफ्टर फिलिंग योर पर्टिकुलर डिटेल्स यू आर नीडेड टू पे सम अमाउंट दैट यू कैन पे थ्रू योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एंड देन यू कैन कन्फर्म योर बुकिंग। Some popular websites are your IRCTC, Redbus, My Movie and many more. तो IRCTC के थ्रू आप अपनी रेलवे की टिकट्स बुक कर सकते हैं, अपने प्लेन की टिकट बुक कर सकते हैं, होटल की भी बुक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग स्पेसिफिक साइट्स भी होती हैं। Redbus के थ्रू आप बसेस को बुक कर सकते हैं, My Movie के थ्रू आप मूवी टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो बहुत साइट्स आजकल अवेलेबल हैं दैट यू कैन यूज़ फॉर योर पर्टिकुलर पर्पस। एडवांटेजेस,
बिजनेस इज ओपन अराउंड द क्लॉक, जो बिजनेस है वो 24 घंटे खुला रहता है, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। आप अपनी रिजर्वेशंस को बढ़ा सकते हैं, गेट पेड क्विकर, जल्दी पेमेंट हो जाती है, गेट वैल्यूएबल इंसाइट अबाउट योर बिजनेस। अगर आप अपना बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस की वैल्यू पता लगती है, दैट हाउ मच योर वेबसाइट इज़ बीइंग यूज्ड बाय वेरियस कस्टमर्स, और आप एफर्टलेसली बिना किसी प्रॉब्लम के चीज़ें सेल कर सकते हैं और नई चीज़ें उसमें जोड़ सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, यू नीड टू बी रेडी फॉर एन इन्फ्लक्स ऑफ न्यू कस्टमर्स। अगर न्यू कस्टमर्स आपके वेबसाइट से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है, कस्टमर्स की डिमांड के लिए रेडी रहना पड़ता है। सारे के सारे बुकिंग सिस्टम जो हैं वो एक जैसे नहीं बनाए गए हैं, तो आपको कई बार बुकिंग करने में दिक्कत भी आ सकती है। उन बुकिंग सिस्टम्स को अवॉइड करिए जो आपके लिए नए कस्टमर्स ना लेके आते हो, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स बुक ना कर रहे हो, तो उन वेबसाइट्स को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। और यू नीड इंटरनेट एक्सेस, इसके लिए हमेशा आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए। बिना इंटरनेट एक्सेस के यू विल नॉट बी एबल टू रिजर्व योर एनी थिंग ऑनलाइन। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस मीन्स एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन गवर्नेंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड विद द सोल एम ऑफ फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉमन मैन एट अफोर्डेबल कॉस्ट एंड इन फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ये वो एप्लीकेशंस हैं जिन्हें कि इसलिए बनाया गया है जिससे कि कॉमन मैंस की रिक्वायरमेंट्स को कम कॉस्ट पे और ज़्यादा फास्टेस्ट टाइम देकर पूरा किया जा सके। जैसे कि अगर आपको ईमेल भेजना होता है तो आप अपनी विश और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ईमेल भेज सकते हैं। इसी तरीके से जो ई गवर्नेंस है वो इसलिए डिज़ाइन किया गया जिससे कि आप अपनी गवर्नमेंट के साथ 24/7 जुड़े रहें, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उनके साथ शेयर कर सकें। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है वेयर इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स या गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में बना रहता है। इट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन इंटरनल गवर्नमेंट ऑपरेशन, जो गवर्नमेंट के अंदर ऑपरेशन होते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से और एक इम्प्रूव्ड वे में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड बिजनेस एस्पेक्ट्स को आपस में जोड़े रखता है। इस एडवांटेजेस आर, इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं। एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस डिलीवरी, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, डिलीवरी की जो होती है सर्विसेज की वो बहुत अच्छे से हो गई है। इन प्रोग्राम्स की वजह से जो इंतज़ार का टाइम है वो कम हो गया है और कम समय में आपका काम जल्दी हो जाता है। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ अवेलिंग द सर्विसेज, कोई भी सर्विस यूज़ करने के लिए आपको बहुत कम पेमेंट देना पड़ता है। करप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है इसकी वजह से, और पब्लिक भी अब इसमें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी है। डिसएडवांटेज ये है कि वो लोग जो कि रूरल या रिमोट एरियाज में रहते हैं वो इन सब बेनिफिट्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उनके पास कंप्यूटर ही नहीं है। सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो ई गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम लोग हर जगह ई मैनुअल्स को अवॉइड नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें मैनुअल लेबर चाहिए। लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत से लोगों को इन सर्विसेज के बारे में पता ही नहीं है, अगर पता है तो पूरी जानकारी नहीं है। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, समटाइम्स सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग, देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर हार्डवेयर, दैट ऑल्सो इज़ अ प्रॉब्लम। And sometimes your websites work so slowly that it is impossible for a person to carry out the process. E-groups, it is an online community जहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं और common interest को लेके आपस में बात करते हैं, अपने views को share करते हैं। जो भी message इसमें post किया जाता है उसे एक post की तरह treat किया जाता है, उसे post बोला जाता है। सच काइंड ऑफ ग्रुप्स लेट यू कनेक्ट एंड कन्वर्स विद पीपल ऑफ सिमिलर प्रेफर्ड चॉइसेस। मान लीजिए अगर मुझे मूवीज़ में इंटरेस्ट है और दूसरे पर्सन को भी मूवीज़ में इंटरेस्ट है, तो हम आपस में इस ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं मूवीज़ के ऊपर। अगर किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो आपस में उस चीज़ को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। अ कन्वर्सेशन ऑन ए ग्रुप कैन हैव ओरिजिनल मैसेज, एक जो कन्वर्सेशन होता है ग्रुप में उसमें ओरिजिनल मैसेजेस होते हैं, उस ओरिजिनल मैसेज को लेके आपके रिस्पॉन्सेज भी होंगे, रिप्लाइज भी होंगे,
और ये सारी चीज़ें इकट्ठे मिलकर क्या बनाती हैं, एक थ्रेडेड कन्वर्सेशन या फिर थ्रेडेड मैसेज। आपने देखा होगा अपने मोबाइल में, अगर आपके पास वोडाफोन का कनेक्शन है और उसमें कोई मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास बार बार, तो एक ही मैसेज के अंदर वो कई सारे मैसेजेस आपके पास डिस्प्ले हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, थ्रेड होता है। कई बार किसी आप मैसेज को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपके पास आता है, डू यू रियली वॉन्ट टू डिलीट दिस थ्रेड, तो आप कहते हैं येस, तो वह सारे मैसेजेस इकट्ठे डिलीट हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, एक थ्रेडेड कन्वर्सेशन या फिर थ्रेडेड मैसेज बनाती हैं। जो मेंबर्स होते हैं ई ग्रुप के, वो एक मैसेज पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप्स के डिस्कशन बोर्ड पे, रिप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट का, और यहाँ तक कि ग्रुप में से अगर कोई फाइल अपलोड करनी है उन्हें तो वो कर सकते हैं, डाउनलोड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। एंड बट सच काइंड ऑफ ग्रुप्स आर परफेक्ट फॉर दोज पीपल हु आर वेरी बिजी, यानी कि जिनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, वो अपने आसपास के लोगों से अपने पॉइंट्स शेयर नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो वो इन ग्रुप्स में आके अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। एडवांटेजेस, इसको आप 24/7 इस्तेमाल कर सकते हैं। दे मोस्टली एनकरेज शाई पीपल, जो लोग शाई होते हैं, जो बहुत खुल के अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते, वो इस ग्रुप में आके अपनी बातें बता सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। जो भी डिस्कशन होती है वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर एक लंबे समय के लिए स्टोर हो जाती है। जो मेंबर्स होते हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेंबर्स को यहाँ पे बहुत सारा टाइम दिया जाता है कि वो किसी टॉपिक के बारे में सोचे, समझे और फिर उसके बारे में बात करें। डिसएडवांटेजेस, योर ई ग्रुप्स मेनली डिपेंड ऑन टेक्स्ट, यहाँ पे आप ज़्यादातर टेक्स्ट के थ्रू ही आपस में बात करते हैं। सेकेंड, यू कैन नॉट सी द फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्टर्स ऑफ द पर्सन, जो भी इस ग्रुप में मेंबर्स हैं आप उनके ना तो फेस के एक्सप्रेशंस दे सकते हैं ना जेस्टर दे सकते हैं, जिससे कि आप आइडिया नहीं लगा सकते कि बंदा जो है वो इस टॉपिक को लेके पॉजिटिव है या नेगेटिव है। थ्रेड्स जो होते हैं वो यूजली जो मेंबर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैसेजेस भेज देते हैं। डिस्कशन जो है वो कई बार बहुत लेट हो जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन 24/7 आपको अवेलेबल हो, और यहाँ पे हमें एक मॉडरेट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो कन्वर्सेशन या डिस्कशन को सही दिशा दे। ये नहीं कि बस हम अपनी बातें बोले जा रहे हैं लेकिन हमें एंड में पता ही नहीं कि कंक्लूजन क्या हुआ उसका, तो एक पर्सन जो है जो मॉडरेट होता है उसके ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ता है। देन इज सोशल नेटवर्किंग, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आजकल हर किसी का फेसबुक पे अकाउंट है, हर कोई सोशल नेटवर्किंग के अंदर इन्वॉल्व है। तो सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स, जैसे कि स्मॉल रूरल कम्युनिटीज हो गई या आपका नेबरहुड सबडिविजन हो गया। इट इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम्स, जो इंटरनेट पे डिपेंड होके हम लोग सोशल मीडिया प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसमें हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्लासमेट्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, इन सब के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। जब भी हम ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वेबसाइट्स दैट आर वेरी कॉमनली यूज बाय द पर्सन, और ऐसी वेबसाइट्स को हम सोशल साइट्स बोलते हैं। इस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जो होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, आपको एक वेन्यू, एक प्लेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप लोगों के साथ अपनी एक्टिविटीज़ को या अपनी उन्हीं एक्टिविटीज़ को अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स या और लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आर योर फेसबुक, लिंक्डइन, माईस्पेस, ट्विटर, यूट्यूब, वर्डप्रेस, मैनी मोर। और फेसबुक तो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आजकल हर किसी का अकाउंट है, हर कोई जो है नए दोस्त बनाना चाहता है, लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहता है। एडवांटेजेस, बहुत आसानी से आप लोगों से जुड़ सकते हैं इसके थ्रू, आसानी से किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके अवेयरनेस गेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, आप जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं या पोस्ट करते हैं उसका कई बार मिसयूज़ किया जा सकता है। क्रेडिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन उस पर पोस्ट की गई उसका क्रेडिट किसको दिया जाए, इस पर भी कई बार प्रॉब्लम आती है। लोग जो हैं वो फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं, दूसरों को परेशान करना, उन्हें चिड़चिड़ा
बनाना, पीयर प्रेशर दबाव बनाना लोगों के ऊपर, इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, किसी भी चीज़ पे ध्यान मत देना, बस करे जा रहे हैं जो करना है, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर्स एंड एडिक्शन। और कई बार क्या होता है, इन वेबसाइट्स के थ्रू आपको एडिक्शन लग जाती है उन वेबसाइट्स की, या ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जब आपको लगता है कि हर पर्सन का ध्यान जो है ना मेरे पे ही होना चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ वेबसाइट पे, उस सोशल नेटवर्किंग साइट पे ऐसा पोस्ट कर देते हैं या ऐसे इमेजेस डालते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ खिंचता है। सो ऑल दिस इज़ फॉर टुडे। ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत ही ईजी हैं, आपकी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जुड़े हुए हैं, तो आप इनको बहुत आसानी से अच्छे से याद कर सकते हैं। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस सेशन ऑफ टुडे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड द अदर पीपल सो दैट दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट। हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स से हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और हमारे जो भी न्यू विजिटर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग सेशंस। आपको परेशान ना होना पड़े और आप आसानी से हमारे आने वाले सेशंस को देख सकें और उनका फ़ायदा ले सकें। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सम न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।